वैसे तो हर सीज़न में ही हमें ज़रूरत होती है कि हम अपने बॉडी, हेयर और स्किन की बहुत अच्छे से केयर करें, बट हर सीज़न में इसका प्रोसीजर अलग होता है। हर सीज़न में हमारे स्किन की, हेयर की और बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है कि हम उसकी केयर कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ वो रूल्स बताने वाली हूँ, कुछ वो गोल्डन रूल्स बताने वाली हूँ जिन्हें आपको फॉलो करना ही चाहिए अगर आप अपने स्किन, हेयर और पूरी बॉडी को हेल्दी दिखाना चाहते हैं पूरे विंटर सीज़न में। इनफैक्ट विंटर ख़त्म होने के बाद भी आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। स्किन बहुत ही अच्छा ग्लोइंग बनाना है विंटर्स में, हेयर फॉल से बचना है, डैंड्रफ से बचना है, या फिर जो कुछ भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी, स्किन और हेयर में, उन सब से बचने के लिए ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें टाटा बाय बाय करके अपने आप से दूर रखना चाहिए विंटर्स के टाइम पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम पानी पीना कम कर देते हैं, क्योंकि एक तो वैसे भी ठंडी में हमें ज़्यादा प्यास लगती है नहीं, और जितनी प्यास लगती है उसमें भी हम कंजूसी करते हैं पानी पीने में, तो ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें, और अगर आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं भी पी पा रहे हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेने की कोशिश करें, सूप पिए, लिक्विड जितना भी हो सके उतना लेने की कोशिश करें, सलाद खाएं या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, जिससे आपके बॉडी की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो कम ना पड़े, डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि विंटर्स में अगर आपको इसके साइंस नहीं भी दिखते हैं, अगर कम पानी पीने की वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम नहीं भी दिखते हैं ना, तो विंटर खत्म होते होते ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ जाएंगे। और सर्दियों के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, हमें ज़्यादा एक्टिव होने का दिल नहीं करता है, तो ये भी एक बड़ी गलती है जिसके वजह से हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमारी स्किन, हमारा हेयर उतना अच्छा हेल्दी नहीं बन पाता है। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करें, जितना ज़्यादा आपसे हो सके उतना फिजिकली एक्टिव रहे, ताकि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे और आपकी स्किन, आपका हेयर, आपकी पूरी बॉडी बहुत अच्छे से शाइन करे और आप पूरी तरह से हेल्दी रहें। थर्ड रूल है कि एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन फॉलो करें। विंटर्स में ना हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं और हम ठंडी की वजह से बहुत कुछ अवॉइड करने लगते हैं, ना तो प्रॉपर फेस अपना क्लीन रखते हैं, ना ही हेयर क्लीन रखते हैं, प्रॉपर एक रूटीन नहीं बन पाता है ठंडी की वजह से। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करें और उस रूटीन में जो भी आपके स्किन की रिक्वायरमेंट है, आपके हेयर की रिक्वायरमेंट है, उसे फुलफिल करते हुए ही रूटीन को पूरा। एंड नेक्स्ट रूल में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी टाइप का बहुत ज़्यादा हार्श मास्क या फिर पील्स, इन्हें अवॉइड करें अपने स्किन पे अप्लाई करने से, क्योंकि ऐसे ही हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है विंटर सीजन में। और अगर आप इस टाइप के प्रोडक्ट्स लगाते हो, और स्पेशली आपको उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो ज़रूर से देखने चाहिए, अगर उसमें अल्कोहल है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, तो उसे बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। ये आपके स्किन को और ज़्यादा ड्राई बनाता है, जिसके वजह से स्किन पे इचीनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकता है, या फिर किसी भी टाइप का रैश हो सकता है। विंटर्स के टाइम पे कभी कभार ऐसा होता है कि हमें शैम्पू करने का दिल नहीं करता है, बट हमें बाहर जाना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसा काम हो जब हमें किसी और से मिलना है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे हमारे पास एक चीज़ ज़रूर से होनी चाहिए, जो है ड्राई शैम्पू। अगर आपके पास में ड्राई शैम्पू है तो आप फटाफट से उसे अप्लाई करके अपना काम कर सकते हो। इसलिए मैं विंटर्स के लिए स्पेशली ड्राई शैम्पू ज़रूर रखती हूँ। मेरे पास जो ड्राई शैम्पू है वो है डव का ये ड्राई शैम्पू, ये भी काफ़ी अच्छे से काम करता है और मुझे काफ़ी पसंद है ये, इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है। तो आप अपने लिए एक ड्राई शैम्पू ज़रूर से रखें। नाउ आप जानते हैं बॉडी की केयर कैसे करें विंटर सीजन में। बॉडी केयर में आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको दो रूल्स फॉलो करने हैं, दो चीज़ों को आप ज़रूर से फॉलो करें। सबसे पहला रूल ये है कि आप बिल्कुल भी सोप अप्लाई ना करें अपने बॉडी में, अपने स्किन में। सोप के बदले आप शार जेल को यूज़ करें, क्योंकि शार जेल आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई होने से बचाते हैं। वहीं अगर आप सोप यूज़ करते हैं किसी भी टाइप का, किसी भी सोप को यूज़ करते हैं, तो वो आपके स्किन को ड्राई करने के चांसेस रखते हैं। इसलिए कभी भी सोप यूज़ ना करें, स्किन को नरिश करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं, मॉइस्चराइज़ करते हैं। और मॉइस्चराइज़ करने से याद आया कि आप किसी भी टाइप का बॉडी वॉश क्यों नहीं यूज़ करें, बट उसके बाद नहाने के बाद हमें बॉडी लोशन भी ज़रूर से यूज़ करना चाहिए अपनी पूरी बॉडी पे। चाहे आप किसी भी टाइप का बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हैं, बट बॉडी लोशन लगाना कंपलसरी होता है। मैं जो बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ वो है ये पैराजूट का, तो फिलहाल मैं यही यूज़ करती हूँ। ये था हमारा बॉडी केयर। स्किन केयर रूटीन में नेक्स्ट जो रूल है ना, वो हमें हर हाल में ज़रूर से फॉलो करना चाहिए, चाहे विंटर का टाइम हो या फिर समर का टाइम हो, बट ये हमेशा आपको फॉलो करना ही चाहिए। जो ये है कि आप अगर रात को नाइट क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करते हो तो ठीक है, बट अगर आप कोई क्रीम यूज़ नहीं करते हो तो आपको किसी भी टाइप का ऑयल अप्लाई करके मसाज करना चाहिए अपने फेस को, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, बट आपको फेस मसाज जरूर करना चाहिए ऑयल यूज़ करके। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ 15 दिन में 10 दिन में ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे अगर आप ये रूल फॉलो करते हो तो, अपने स्किन केयर रूटीन में इसे अप्लाई करते हो तो। आपको करना ये है कि किसी अच्छी क्वालिटी का आपको ऑयल लेना है। अगर आप विटामिन सी ऑयल लेना चाहते हो या फिर कोई सीरम यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो कोल्ड प्रेस वाले कोकोनट ऑयल को या फिर आमंड ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। हर हाल में डेली सनस्क्रीन अप्लाई करना ही है।
आप ये ना सोचें कि धूप तो है ही नहीं और सनस्क्रीन तो सिर्फ कड़कड़ाती धूप में ही हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। आपको धूप दिखे या ना दिखे बट उसके जो यूवी रेज होते हैं वो आपकी स्किन तक जैसे भी करके पहुंच ही जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना ही चाहिए। अगर आप चाहते हो आपकी स्किन बिल्कुल ग्लोइंग और रेडियंट दिखे तो आपको मंथली बेसिस पे फेशियल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने फेस के सारे डेड सेल्स को, ब्लैक हेड्स को रिमूव कर रहे हो और इसकी हेल्प से आप अपने फेस पे एक अलग सा निखार लेकर आओगे। इस पे फेशियल करना काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है अगर आप बाहर जाकर करवाओ तो, किसी पार्लर में करवाओ तो मैं मंथली बेसिस पे घर पे ही फेशियल करती हूँ। स्पेशली मुझे मम्मा अर्थ का ये उपटन फेशियल किट बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स लगाते जाना है और सिर्फ 15 या 20 मिनट में आप अपने फेस पे एक अलग सा ग्लो, एक अलग सा निखार देखोगे, विजिबल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स प्लास्टिक पॉजिटिव, पैराबेन सिलिकॉन फ्री, क्रुएल्टी फ्री होते हैं। इनके सारे प्रोडक्ट्स आपको इनके ऑफिशियल ऐप एंड साइट पे मिल जाएंगे, पर्पल, फ्लिपकार्ट, अमेजन, नायका पे मिल जाएंगे। इनके ऐप एंड साइट पे हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर चलता रहता है, तो आपको एक बार चेक जरूर करना चाहिए। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करके इनके ऐप एंड साइट से कुछ भी लेते हो तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हेयर केयर कैसे करना चाहिए विंटर सीजन में। अगर आपको अपने हेयर को अच्छा बना के रखना है ना, तो इन रूल्स को ज़रूर से फॉलो करें। सबसे पहला रूल यही है कि आपको ऑयल मसाज जरूर करना है विंटर सीजन में अपने बालों पे। जितना हो सके उतना ज़्यादा ऑयल मसाज करो। आप वीक में एक बार, दो बार, तीन बार भी ऑयल मसाज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप उस ऑयल को गर्म कर ले, उसके बाद अपने पूरे स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई करके आपको अपने फिंगर टिप से मसाज करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि विंटर सीजन में हेयर फॉल होने के, फ्रिजीनेस होने के, डैंड्रफ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप ऑयल मसाज करोगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको कम देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट हेयर केयर रूटीन में एक और चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, जो कि है आप शैम्पू और कंडीशनर जो भी यूज़ करते हो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको अच्छे से देखने हैं। उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा हार्श हो, क्योंकि अगर आप शैम्पू गलत ले लेते हो ना तो आपको डैंड्रफ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि वो डैंड्रफ या फिर इचीनेस, हेयर फॉल, फ्रिजी हेयर, ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए उस शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करने के बाद। ऐसा नहीं हो कि हार्श शैम्पू यूज़ करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ देखने को मिले, जिसके बाद हमें हेयर फॉल भी ज़्यादा होता है, हमारे बाल भी फ्रिजी हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान ज़रूर से रखिए। ये थे कुछ वो रूल्स जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं ना, तो हमारे स्किन, हेयर और हमारी पूरी बॉडी में काफी सारे अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। विंटर सीजन में हमें जरूर से ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।